हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के टू स्टेप वेरिफिकेशन की। तो ये व्हाट्सएप पर टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और हमें इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है और ये क्या काम आने वाला है। यदि इन फ्यूचर आप इनके पासवर्ड भी भूल जाते हो, फॉरगेट हो जाता है आपसे टू स्टेप वेरिफिकेशन के, तब हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारा इस वीडियो के अंदर आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो हम चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन किस काम आता है और हम लोग वो कहाँ यूज में लेते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो डिसेबल है या इनेबल है वो चेक करते हैं। तो अभी मैं स्टेप से आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आना है और सेटिंग को यहाँ से है वो सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे उसके बाद में आपको अकाउंट सेटिंग के अंदर जाना है और जैसे ही वहाँ पर जाओगे तो तब वहाँ पर आपको थ्री नंबर ऑप्शन मिल रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर आपको वो क्लिक करना है। तो अभी ये मेरा एक्टिव नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ सिंपली एक्टिव करना है। और उसके बाद यदि आप किसी बंदे को आप व्हाट्सअप, जैसे आपके नंबर से कोई भी बंदा व्हाट्सअप यूज़ करता है और वो OTP भी लगा देता है तो भी आपका ये वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा कि जो पहले का जो पिन कोड है वो क्या है। यदि वो टू स्टेप वेरिफिकेशन पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर वो आपका जो व्हाट्सअप है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके बाद यदि आप फ्यूचर में कभी भी पासवर्ड भूल जाते हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं कोई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 967278। एक बार फिर से जो कन्फर्म पासवर्ड है वो भी मांग रहा है तो मैं एक बार फिर से कन्फर्म कर देता हूँ 967278। अब आपसे एक मेल आईडी मांग रहा है जो आप कभी भी पासवर्ड भूल जाते हो, ये जो अभी आपने सेट किया है। तो भूलने के बाद यदि आपको फॉरगेट करना पड़ता है तो इस मेल से ही फॉरगेट होने वाला है। तो मैं सिक्योरिटी के लिए थोड़ा ब्लर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो मेल आईडी डालने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद फिर आपको एक बार कन्फर्म है वो मेल आईडी डालनी है तो मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ और अब मेल की सिक्योरिटी के लिए मैं उसको ब्लर कर रहा हूँ। तो मैंने फिर से एक बार मेल आईडी है वो कंफर्म कर दी है और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे वेरिफिकेशन टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो एकदम डन हो चुका है। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, मैं दूसरे व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। सिंपली मान लो कोई भी आपका व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है तो वो यहाँ पे आपका नंबर है वो डालेगा। तो मैं यहाँ पे अपने नंबर डालता हूँ, सिक्योरिटी के लिए नंबर भी मैं ब्लर कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपको नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद में आपको एक OTP मिलता है आपके नंबर पर। तो वो OTP मेरे पास आ गई है, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। OTP आई है 1241। तो ये वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है। यदि आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है यानी आप भूल जाते हो, है तो यहाँ पे आप लगा दोगे कि आपका जो भी टू स्टेप वेरिफिकेशन था वो यहाँ पे आप वो लगा सकते हो। लेकिन आप भूल जाते हो कभी भी कि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन जो कोड थे वो क्या थे पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब आपकी मेल के ऊपर एक मेल आएगी, किस तरीके से वो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देख लीजिए मेल आ गई है टू स्टेप वेरिफिकेशन की कि रीसेट करना है। तो आपको एक लिंक मिलता है, मैं इस लिंक को वो सिंपली एक ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ये आपको तब करना है जब आप पासवर्ड है वो भूल जाते हो, लंबे टाइम से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तब आपने क्या टू स्टेप वेरिफिकेशन किया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं, तब यहाँ पे आया कन्फर्म
यू डी लाइक टू टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉर योर व्हाट्सएप अकाउंट। आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे वो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से कन्फर्म करके हटा सकते हो। तो मैं यहाँ से वो कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कन्फर्म करता हूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप पे वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए, अब आप सिंपली जैसे जो भी करना चाहते हो वो यहाँ से आपका जो प्रोफाइल वगैरह है, नाम वगैरह डालना है और आपको वो उसके अंदर लॉगिन हो जाना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो इस तरीके से आप वो व्हाट्सएप का टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन का यूज कर सकते हो। यदि पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो इस तरीके से आप वो जो मैंने प्रोसेस बताया उस तरीके से आप पासवर्ड वो फॉरगेट भी कर सकते हो। तो ये लगभग आपको उस समय जरूरत पड़ती है जब आपको अपने व्हाट्सएप को थोड़ा सा सिक्योर करना चाहते हो कि आपका व्हाट्सएप है वो कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर ले, या हैकिंग वगैरह से बचने के लिए आप वो व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन का वो यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही यूजफुल और आपके लिए काम आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और अब दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।